तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे। तो आई होप आप लोग नमस्ते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस टाइप का सेट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग थंबनेल के क्यों क्लिक किया होगा, आप लोग इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग सीखने के लिए ही क्लिक किया होगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को पूरा स्टेप बाई स्टेप सिखा के दूँगा इस तरह की सेट फ़ोटो एडिटिंग। तो देखो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पहले आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, जो कि ये हमारा बैकग्राउंड है। तो ये बैकग्राउंड आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है, गूगल पर आप लोगों को सेट PNG डाउनलोड लिख के सर्च करना है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें जाके आप लोग ये PNG डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो पहला स्टेप इस फोटो को आप लोगों को ले जाना है पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो आने के बाद आपको करना क्या है, पहला काम क्या होता है, आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करके जाना है। आने के बाद ऐड फोटो लिखा होगा, ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, देखो ये रहा मेरा मॉडल, तो मैंने पहले से इरेज करके रखा है। तो आप लोगों को इस तरह की चाहिए तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, सेट फोटो एडिटिंग। तो देखो तो ऐसे आप लोगों को इस तरह से एडजस्ट करके लगा देना है, तो देखो अच्छा चला है। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, देखो मेरी फ़ोटो एडिट की तरफ आ चुका है। देखो इतना होने के बाद आपको डन करना है, डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पर जाना है। जाने के बाद आपको करना क्या है, ब्लैक वाला PNG ले लेना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ लिखा होगा ब्लेंड, ब्लेंड के ऑप्शन पर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ से साइज को छोटा करके आपको सिर्फ हैंड पर लगाना है, और एक कॉपी करके आपको दूसरे हाथ पर लगा लेना है। तो लगाने के बाद तो देखो इतना हो चुका है, इतना होने के बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद आपको करना क्या है, ऑनलाइन वगैरह PNG ऐड करना है। तो यह स्टिकर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च कर लेना है आपको एरो, तो सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको देखो नीचे सेलेक्ट करके आने के बाद देखो ये रुका है ना, ए आप लोगों को यहाँ से इस तरफ ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद आपको इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इरेजर वाले ब्रश सेलेक्ट करके आपको ऐसे देखो अच्छे से कर लेना है। तो इतना होने के बाद आपको राइट पर क्लिक करके ये आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन पर आके मैनुअल वाली ब्रश सेलेक्ट करके ये आपको वापस लाना है। लाने के बाद डन करना है। डन करने के बाद आपको इसे ऐसे छोटा बड़ा करके यहाँ लगा देना है। तो देखो इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ओपेसिटी को थोड़ा कम करके ऐसे लगाना है। लगाने के बाद आपको और एक दो कॉपी कर लेना है। तो इतना होने के बाद आपको करना क्या है, यह सबको फोटो को राइट पर क्लिक करके डन करना है। डन करने के बाद फोटो को सेव करने के लिए आपको सिलेक्ट करके जाना है ड्रॉ कलर पर। ड्रॉ वाली पेंसिल पर आके आपको 3D का गन का इस पर क्लिक करके आपको फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना है। तो आपका फोटो सेव हो चुका है गैलरी के अंदर। अब आपको करना क्या है, ये फोटो को आप लोगों को ले जाना है लाइट रूम ऐप के अंदर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम मोबाइल ऐप के अंदर। तो आने के बाद आपको करना क्या है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैं बिल्कुल थंबनेल के जैसा फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। अभी तक मेरा फ़ोटो कम्प्लीट एडिट नहीं हुआ है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को मैं देखो ये मेरा प्रीसेट पहले से बना रखा है,
तो पी सेट का आपको लोगों को करना क्या है, 3 डॉट का आइकन होगा फोर, क्लिक करके आपको कॉपी सेटिंग लिखा होगा, कॉपी सेटिंग कर लेना है। तो करने के बाद आपको बिफोर वाले कोड पर आ जाना है। आने के बाद आपको करना क्या है, 3 डॉट का आइकन पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो देखो एक क्लिक में, वन क्लिक में किस तरह की फोटो बन चुका है। तो देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा छोटा भाई समझ के। तो आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।